गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मतलब रात को ब्लॉग नहीं बना पाया, मैं अभी कंटिन्यू रख रहा हूँ कल का ब्लॉग और आज का। सरोज का फ़ोन हो गया बिल्कुल डेड। देखो पैसे आनी जानी चीज़ है, फ़ोन तो चाहिएगा, फ़ोन तो लेके आना पड़ेगा जी। तो अभी हम चाय पी के निकल लेंगे वापसी। ये देख लो सरोज को ना, वो क्या बोलते इसको, पफ पफ नहीं बना, चेंज कर दिया मैंने, वो नहीं बनाना आता और लग रही है आराम से, हेयर स्टाइल चेंज कही है तो करना तो पड़ेगा। सरोज वो तो अपडेट करवा साना, कहाँ जाने की तैयारी, घूम के आऊं थोड़ी देर। मुस्कान उठ गई बेटा, कब सोई थी, कितने बजे, 11 बजे, अब क्या टाइम हो गया, 5 बजे, तो भाई नींद जरूरी है नहीं बेटा, वो इतने घंटे दोपहर में नींद कौन करता पूरी, हम करते हैं नहीं, सिर में दर्द हो रहा था, सही करा बेटा सो गई तो। क्या कर रही है बेटा, चावल खा रही, तो गर्म कर लेना इनको, कर रही। हाँ जी आगे जी। कब कहाँ गए थे, ट्यूशन। अच्छा ट्यूशन, एक कॉपी लेके, पेपर चल रहे ना, कब का है पेपर, पेपर मंडे का, कल नहीं जाना, नहीं अच्छा परसों, परसों भी नहीं जाना, नरसों। हाँ। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसे हो गया, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, इंस्टाग्राम पे मेरे पास में मैसेज आए हुए हैं और बाकायदा जो मेरे यार दोस्त हैं उनके भी मेरे पास में मैसेज आए, भाई कुलदीप भाई आपका नाम लेके ना कुलदीप मलिक के नाम से किसी ने मेरे नाम से आईडी बना रखी है और उस पे ना जैसे मतलब लिख के भेज रखे है, अर्जेंट पैसे चाहिए रात को, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब ना इसको नीचा गिराने चाहते हैं वे, ठीक, क्योंकि आपको पता है पहले जो भी था ना वो लोग उसका फायदा उठा के इनको नीचे गिराना चाहते हैं, पहले भी मैं ऐसे ही फ्रॉड किया लोगों ने। हाँ। ठीक है, और अभी भी वो फ्रॉड कर रहा है कुलदीप मलिक के नाम से बना के आईडी, और मेरी कुलदीप मलिक के नाम से नहीं आईडी, मेरी कुलदीप मलिक 53 के नाम से आईडी है मेरी, तो आप इस चक्कर में ना फंसे कोई भी हो तो आप। और ये पता है ये कोई ना जान पहचान का बंदा है, और पापा के इंस्टा पे 2000 फॉलोवर भी हो गए, वो है पापा की ओरिजिनल आईडी, इस पे कितने होए नहीं अभी हो जाएंगे, तो मैं इंस्टा पे इतना ध्यान दे ही नहीं रहा, मेरे को इंस्टा इतना मजा ही नहीं है इंस्टा के बारे में, ठीक है मेरे को यूट्यूब का शौक है तो मैं यूट्यूब पर अपना काम कर रहा हूँ, तो आप ना इस चक्कर में ना फंसे। हाँ। और गाय तुम्हारी फॉलोइंग में भी पापा की आईडी ओरिजिनल वाली है, उसको फॉलो कर ले, ठीक है। क्या कर रहा है बेटा ये, पापा जी देखो नया कर दिया, नया तो नहीं है, ये फोन कौन सा रख दिया, पड़े टूटे फूटे, देखते चलू कोई सा, चल लेके आते हैं फोन, एक चलो, एक ये रखा फोन, एक तेरे हाथ में, एक वो लगा रखा और एक अंदर वो रखा टूटा हुआ जो वीवो का था वो। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसे है, फोन लेने के लिए गए थे, फोन पसंद नहीं आया तो अभी वापसी जा रहे हैं घर, कल देखेंगे कोई फोन मिलेगा तो बढ़िया लेंगे कल। तो भाई अभी ना गोलू ले रहे हैं यहाँ पर गोलगप्पे और हम जा रहे हैं अब घर, तू आ जा ले के आ जा, ठीक है। जी अभी हम फोन लेने के लिए गए थे और हम आ गए हैं वापसी घर, अभी सरोज का रिएक्शन देखते हैं। हाँ जी ले आए ना, मक्खी ज्यादा हो रही है ना। हाँ बेटा मक्खी हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, तो ये देख लो सरोज इतनी कपड़े प्रेस करेगी, वो भी मेरे पते मैंने देख के वो नहीं हुंदा लगदा। गोलू आ गया गोलगप्पे लेके और दही बल्ले लेके, क्यों मैं गोलगप्पे कम ही खाता हूँ, है मेरे फेवरेट हैं तो कम खाता हूँ, ये अपने गोलगप्पे ले आए, करंट करंट मार देगी या इसके भीतर चला गया ना इसका पेच पार्किंग कर दे, ठीक है, अरे गाल ले उन गोलगप्पे ना इतना गड़जेंगे, ये देख लो भाई मैडम आए पैसे का लगा रही है। हाँ। दे। तो भाई मैं अभी ना बैठक में बैठा था और इन्होंने देख लो इतनी जल्दी गोलगप्पे निपटा भी दिए, इधर ना तो मुँह कर देखिए हैं, मेरे दही बल्ले वैसे के वैसे रखे हैं, भी नहीं पूछ रहे खा लो या ना खा लो है, कोई बात नहीं भाई, पापा जी मम्मी ना बाहर गोलगप्पे बताऊं क्यों नहीं खाती, क्योंकि पूरा गोलगप्पा नहीं खाया जाता है, तोड़ तोड़ के खाते, फिर क्या हो गया, जब ही नहीं खाते बाहर घर पे मंगवा के खाते थे भाई। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मेरे भाई थे उनका एक्सीडेंट हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मतलब रात को ब्लॉग नहीं बना पाया, मैं अभी कंटिन्यू रख रहा हूँ कल का ब्लॉग और आज का ब्लॉग, अभी पीछे मुस्कान उठ चुकी है, मुस्कान बना रही है चाय, अभी बच्चे सो रहे हैं,
तो अभी करते कंटिन्यू कमेंट। तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया क्यों कल ना अपना यार दोस्त है जो संदीप है, जो आप भी जानते हो, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पर जाना पड़ गया था मेरे को। तो आप देख, आपको ब्लॉग में पता ही लग जाएगा, उनको चोट लग गई, थोड़े ब्लड मेरे को भी लगे हुए हैं। तो अभी मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद मिलते हैं आपको। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा नाश्ता बना दिया सबके लिए? सबके लिए। मम्मी की तबीयत खराब है क्या? बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है, रात को मेरे था। अच्छा फिर अब तू काम पे लगा, वो कर रही है, खाना बना रही है। अब ठीक है, दिखा तो अभी भी है थोड़ा थोड़ा ना। हाँ। गोलू दीदी दी के भी बुखार है, थोड़ी वो करवा। यहाँ पे भाई ने सारे बेड बुड हटा दिया, भाई लगा रहे पोछा। भाई मम्मी थे यहाँ पे कर दिया रसोई साफ। तो गाइस अभी का व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। आज पूरे दिन व्लॉग नहीं बना पाए तो अब करते हैं कमेंट। और चीकू का नया सॉन्ग आ गया जिसका नेम है स्कूल नहीं जाना। जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी को गर्मी हो गया बुखार, इसलिए हमने दो दिन में कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। और चीकू का जो गाना है आप जल्दी से उसको इतना प्यार दे, लाइक करे, शेयर करे और कॉमेंट करे। चीकू ने अपने पूरी एक्टिंग से उसमें अपना रोल निभा रखा। तो गाइस अभी हम करते हैं कमेंट का रिप्लाई। जयवंती शर्मा जी ने कमेंट किया है, सरोज जी बहुत सुंदर है, आप सब हमेशा खुश रहो, लव यू जम्मू जम्मू। संस्कृति सुशील ब्लॉग ने कमेंट किया है, आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली की शुभकामनाएं। संस्कृति सुशील ब्लॉग जी और जानवी शर्मा जी आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और मुकुल से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप वो मिस्टेक कर दी मुकुल ने। जानवी शर्मा जी था, इसने कोई और ही नाम बता दिया उसको। सुमन चंद्र जी ने कमेंट किया, मुकुल इज बेस्ट, सो क्यूट लिटिल बॉय। और सुनीता जी ने कमेंट किया है, कालू भाई आपके तीनों बच्चे एक से बढ़कर एक हैं, भगवान इनको खूब खुशियाँ दे, आप लोग हमेशा खुश रहे। सुमन जी और सुनीता जी आपका दिल से धन्यवाद, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। तो अब मैं अगला कमेंट करने जा रही हूँ। तो अगला कमेंट है आयशा जी। आयशा जी ने कमेंट किया है, आयशा जी बोल रही है लंदन से, आई रियली लाइक योर व्लॉग्स, सम टाइम आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर एक्शन, माई बी यू आर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, कीप इट। तो थैंक यू जी आयशा जी। जी मौसम इतना गंदा आ चुका है, नरी मक्खी और मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं, कितनी सफाई कर लो, मक्खी मच्छर ना तंग इतने करते रहते हैं। तो अगला कमेंट कर रहा गोलू। तो गाइज कमेंट है ममता चौधरी जी का, स्रोत दीदी मजा आ गया होली देखकर, हंसते हंसते सांस निकल गया हमारा तो, गाना ही मजा आया, स्रोत दीदी कालू भाई के मार रही थी, आप होली आपकी बहुत अच्छी हुई, अच्छा लगा हमें मस्ती करते हुए, हैप्पी होली। तो थैंक यू ममता जी, और आपने कॉल किए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हम आपको मिस कर रहे हैं, आप फोन कर सकते हो हमारे पास। और राधे वर्मा जी का कमेंट है, हैप्पी होली कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। म्यूजिकल का कमेंट है, हैप्पी होली आपकी फैमिली को, मजा आ गया आपके रंग देखकर। म्यूजिकल जी और राधे वर्मा जी आपको भी दिल से धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और कन्नू को हैप्पी होली की, मेरे कन्नू को बहुत से विशेज आई है हैप्पी बर्थडे की। तो सभी का दिल से धन्यवाद कन्नू को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। तो मैं कन्नू की तरफ से बोल रहा हूँ थैंक यू जी, थैंक यू आप सभी ने इतना प्यार दिया, तो आपका दिल से धन्यवाद। सो गया क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं। तो गाइस ममता लंबो जी का कमेंट है, आप भी अपनी फैमिली का ध्यान रखो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। पिंकी ढाल जी का कमेंट है, कुलदीप भाई होली खेलने तो जाना दोस्तों के साथ, पर नशा करके वापस मत आना, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है और उसे संभाल के और बहुत खुशियां दो, वह सब आपके बहुत प्यार करते हैं, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ अपनी फैमिली ही अपनी होती है। तो पिंकी जी मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक साल में त्योहार एक बार ही आता है, यार दोस्त भी वेट करते हैं, हर कोई वेट करता है। तो ये होली खेलने गए थे और एक घंटे के बाद वापस घर आ गए थे, और जो आप सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो गाइज मोहित क्यान जी का कमेंट आया, नाइस व्लॉग भैया, आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, जय श्री श्याम जी। लग गई सबको पटेले कमेंट है देख लो ये बैठी मेरी बेटा सब्जी काट रही है ना बेटा। आज मैं सब्जी बनाऊंगी, आज मुस्कान बनाएगी सब्जी, आलू गोभी तरी वाली बनाएगी बेटा। कौन नहीं, सी मैं सिखा रही हूं, सूखी सब्जी बनाऊंगी, तरी वाली बनाएगी मुस्कान, देखेंगे जैसे बनेगी वैसे बना देंगे। नहीं नहीं गोभी तरी वाली भी बनती है ना सूखी। पीछे इशारा करने लग रही इसकी मम्मी, इशारा कौन करे, मैं ना सिखानी है ना मुस्कान तालू गोभी की सब्जी। चलो आगे कमेंट लीड करते रहो साथ के साथ। क्या हो गया अमित जी ने, अमित जी ने कमेंट किया है हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, सूरत दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सो स्वीट, टू टू हू ही, मैं चंडीगढ़ मैं चंडीगढ़ से हूँ, सोनिया सोनिया सूरज दीदी, हाँ लिख रखा है सूरज दीदी, सूरज लिख रखा है सरोज, सूरज ऐसे आ रही मुझे सूरज, सोनिया आपकी फैमिली, सोनिया आपकी फैमिली पे सब सदा ही कृपया बनाए रखे कान्हा जी। ये थोड़े से ना स्पेलिंग में मिस्टेक। तो गाइस अमित जी का दिल से धन्यवाद, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कमेंट किया, और सरोज जी की स्पेलिंग ऐसे आर ओ जे है, एस ए आर यू जे नहीं है। पर तुम कमेंट पढ़ लो या देख ले, छोरी रोन लग गई, क्या हो गया बेटा, प्यास तेज है, प्यास तेज है, पानी में धो ले, ये रहा पानी। गगनदीप कुंवर जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे टू यू कन्नू, अपनी कृपया उन्हीं उन सब पर बनाए रखना, आप सब ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करते रहो, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और प्रीतम कुमार जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे कन्नू, आप यूं ही हम सब पे कृपा दर्शाते बनाए रखना। तो गगनदीप जी और प्रीतम जी आपका दिल से धन्यवाद, आपने कन्नू जी को बर्थडे विश किया, और कन्नू जी आप सब पर ऐसे ही कृपया बनाए रखें। तालामा जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे टू यू कन्नू जी, और प्रीत जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे कन्नू जी, सरोज भाभी आपकी ये स्माइल देखकर बहुत अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही हंसते और हमेशा खुश रहे। और सोनिया चौधरी जी ने कमेंट किया सो ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे गोपाल जी, और इंदुलेखा जी ने कमेंट किया है हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, भाभी जी आप बहुत प्यारे लग रहे हो, मुस्कान दी की ड्रेस बहुत नाइस, गोलू बेटा नाइस डेकोरेशन, ये मैं थोड़ा कम बोलना डेकोरेशन, नाइस बर्थडे सेलिब्रेट कान्हा जी। तो इंदुलेखा जी सोनिया जी और प्रीत जी आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना अच्छे कमेंट किए, और हमारे कन्नू के लिए भी हर्ष। तो गाइस मम्मी जी जो गलत लिख रखा होता है ना वो ना सही बोल देते हैं, जो मैं पढ़ता ना जब गलत लिखा होता है ना मैं ना गलत ही बोल देता हूँ। तो बेटा थोड़ा सा कोई बात कोई मिस्टेक किससे नहीं होती, जैसे मेरे को सेलिब्रेट नहीं बोलना था, कांग्रेचुलेशन नहीं बोलना था, तो कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मेरे को अच्छा लगेगा, कांग्रेचुलेशन मेरे को तो नहीं बोलना आता, कांग्रेचुलेशन। ज्योति जी ने कमेंट किया है मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी चीज में ही बहुत खुश हो जाती है, और यो मम्मी मम्मी गॉड ब्लेस यू भाई हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। एक जाट नाम से आईडी है जाट 1639 हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो थैंक यू जी आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपने इतने अच्छे कमेंट किए। अर्जुन जी ने भी कमेंट किया है हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो कन्नू के ना बहुत सारे हैप्पी बर्थडे आ रहे हैं, कम से कम 200 कमेंट आ रहे हैं, तो सभी को दिल से धन्यवाद, आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, आपने कन्नू को इतने सारे बर्थडे पे भी चीज दी। तो अब मुकुल की बारी आ गई है, मुकुल करेगा कमेंट।
काजल जी ने कमेंट किया है, हैप्पी कन्नू, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, वाइफ भी आपस सबत्ता से मिलकर राहुल भाई सबत्ता से मिलकर राहुल भैया हाँ राहुल भैया सही कह राहुल लिख रखा ही ना राहुल राहुल है ना हाँ राहुल भैया। सीता चौहान जी ने कमेंट किया, मोहित जी ने, नीतू जी ने, रोजमाल जी ने, मंदीप जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो गाइस इन सारों का हमारी फैमिली की तरफ से दिल से धन्यवाद। इन सारों का नहीं तो इन सभी का हमारी फैमिली की तरफ से दिल से धन्यवाद। और कान्हा जी अपनी कृपया सब पर बनाए रखे। रेखा मैडम जी का कमेंट आया हैप्पी बर्थडे का जी है उम्मीद मैं नहीं बढ़ता आप तो मेरी बेस्ती करते बेस्ती नहीं है बेटा कर मैंने थोड़ा बताया था ना आप बेस्ती करते रहते कोई बात नहीं ले कौन करूँ मैं लड़के की बेस्ती मत करो ठीक है ना कौन हर बात पे बेस्ती कर देते मैं हाँ जो लिख रखा वही तो अगला पढ़ते है नहीं भाई कर दे बेटा फटाफट कर दो जल्दी केशव है अस्सी का लड़का है वो कह रहा है कभी मैं आपके रोज ब्लॉग देखता हूँ और आप मेरा ब्लॉक में नाम नहीं लेते तो केशव जी मतलब छोटा या बड़ा मेरे को नहीं पता तो आपका दिल से धन्यवाद आप डेली हमारे ब्लॉग देखते हो और ऐसे ही देखते रहो प्यार बनाए रखो तो मैं तो ना आपका मुझबानी नाम ले दिया करूंगी आशी से है केशव जी तो धन्यवाद। रेखा मैडम जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। प्रिया जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। शुभम जी ने कमेंट किया हेलो सर गुड आफ्टरनून थैंक फॉर द अपडेट। तमन्ना जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे गोपाल जी। तो गाइस तमन्ना जी का और केशव जी का और शुभम जी का प्रिया जी का हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद आपने कन्नू के लिए इतना अच्छे अच्छे कमेंट किए। मुनिका जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। श्रोती आप आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मम्मी के कमेंट आया तो ज्यादा दो कमेंट आ रहे हैं के है बोलिए बोलिए एक बार। कोमल राजपूत जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। सरोज आंटी आज बहुत सुंदर लग रही है आगे ना दो। नीतू जी ने कमेंट किया हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल जी। अपना तो कमेंट ही नहीं मिलेगा नहीं बेटा। हाँ जी वही देख रहा हूँ वही ढूंढ वही अपना तो देखा है आरिश ननू बिराज करने वाले मैंने इसके बर्थडे के इसके कोई भी कमेंट नहीं सिर्फ कन्नू के बर्थडे के और आपके मेरे आप मम्मी के तो कन्नू मेरा भाई है तो मेरे यहाँ के मुस्कान है। हाँ। अब तेरी टर्न आ गया आ जा बेटा खड़ी हो रोने लग गई मुस्कान है ना भाई मैं तुम्हारा था भाई मारा था झूठा तो नाम लगाओ बताओ ले उन्होंने कहा भाई तू आप बैठ जाओ मैं तो सो रहा हूँ बता देख लो अंकल थक गया ना बेटा पेट पूजा कर ले बेटा भाई यहाँ पर ना मुकुल का देख लो वहाँ पर ना खाने का रखा है मुकुल बगैर खाए काम नहीं करता है बेटा बगैर कमीशन के कुछ काम नहीं करता मुकुल। दीदी जी साल नहीं लगाना एक मिनट लगानी है जल्दी करो कर रही हूँ। तो गाइस अब मेरी बारी आ गया मम्मी सब ने पढ़ लिया अब करते हैं कमेंट स्टार्ट। रितु चौहान जी ने कमेंट किया राधे राधे जी आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी की कृपया आप पर हमेशा ऐसे ही रहे हंसते रहो मुस्कुराते रहो राधे राधे। दीदी वो ऐसे है कान्हा जी की आपकी कृपया बने रहे। संजय जी ने कमेंट कर रहे हैं हैप्पी होली ऑल फैमिली मेंबर। प्रीतम कुमार जी ने किया हैप्पी होली ऑल फैमिली भगवान तुम्हें हर खुशियां दे। माई जी ने कमेंट किया गोलू और मुकुल बहुत तो प्यारे बच्चे हैं। रोहन जागरा ने किया हैप्पी होली ऑल फैमिली मेंबर। मुकुल का नाम हम दे तो मुकुल मटकन लग जाए। प्रीतम कुमार जी माई जी रोहन जागरा संजय जी और रितु चौहान जी आपका दिल से धन्यवाद आपने हमें होली की शुभकामना दी थी और क्या बोलना होता क्या बोल देते हैं
हमारा मुकुल सही है, मुकुल कुछ भी बोल देगा ना बेटा। तो इसी बात पे मुकुल से करवाया जाए डांस। देख ले बच्चे कहाँ कहाँ जानोगे भाई तुम। एक वो आया है प्रेस लेके मैं तो ये ना बहुत ज्यादा मस्ती करने लगे बच्चे। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो। मेरी सब्जी बनाने बाकी रह रही, हो सकता है तो मैं ये भी दिखा दूंगी।